आज जो अनाउंसमेंट हुआ है एनपीआर को लेके, इसमें और एनआरसी में क्या फर्क है? क्योंकि ऑलरेडी लोग कहने लगे हैं कि ये बीजेपी सरकार के बैकडोर एंट्री के थ्रू एनआरसी ला रही है। देखिए, दोनों में मूलभूत अंतर है। एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है। देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है। और एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, ना दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। एनपीआर के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी, इसका उपयोग कभी भी एनआरसी के लिए नहीं हो सकता, दो कानून भी अलग है। मगर ये प्रक्रिया, मैं थोड़ी स्पष्टता कर दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू नहीं की है। 2004 में यूपीए सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत ये प्रक्रिया चालू हुई, और 2010 में जब जनगणना हुई, 2010-11 में, इसके साथ इसको किया गया। अब फिर से जनगणना हो रही, इसके साथ ही करने का प्रावधान है, सरकार ने आज निर्णय करा है। तो मैं पहले ये स्पष्टता कर देना चाहता हूं कि एनपीआर का कोई भी डेटा एनआरसी के उपयोग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलग प्रक्रियाएं हैं, और उसमें नागरिक से अपने नागरिक होने के लिए कुछ दस्तावेज मांगे जाते हैं और कुछ प्रक्रिया जो आसाम में हुई है अभी। इसके अंदर, देश के अंदर रहने वाला हर कोई व्यक्ति अपनी स्वतः की इच्छा से एक ऐप के अंदर भरकर भेजेगा, कोई सपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। एनपीआर को लाना चाहती है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और ये कह रही है, ये सरकार कह रही है, ये सरकार की अगर कोई पहचान है, मोदी जी के, शाह के सरकार की यदि कोई पहचान है, तो इनकी एक ही पहचान है। क्या पहचान है? कि ये झूठों की, झूठों और जुमलेबाजों की सरकार है। क्या ये सरकार की पहचान है? ये सरकार की पहचान है झूठों और जुमलेबाजों की पहचान सरकार है। कैसे ये झूठ बोल रही है? अब मैं आपको इसका लीगल फैक्ट बताता हूं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 को कांग्रेस की सरकार ने दिसंबर 2012 में अमेंडमेंट करके एनआरसी को लाया। ये फैक्ट राहुल गांधी को मैं कहना चाहता हूं, यहां महाराष्ट्र के जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उनको ये कहना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में दिसंबर में, 3 दिसंबर 2004 को आपकी सरकार ने जो है, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी वाजपेयी की सरकार जाने के बाद, तो ये आपकी सरकार थी जिसने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को संशोधन किया और उसमें सेक्शन 14 ने एंड सेक्शन 18 को लाया। सेक्शन 14 ने और सेक्शन 18 को लाकर आपने एनआरसी को लाया, और उसी में, उसी रूल के रूल 3, सब रूल 4 एंड सब रूल 5 के अंदर में एनपीआर का प्रोविजन है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अमेंडेड वर्शन 2004 के 14A एंड 8 सेक्शन के जो रूल्स है, सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन रूल्स एंड इश्यूएंस ऑफ आइडेंटिटी कार्ड्स 2003 के रूल 3, सब रूल 4, सब रूल 5 के तहत एनपीआर का प्रोविजन है। यानी एनपीआर ये एनआरसी की पहली स्टेज है, और क्यों इसका विरोध करना जरूरी है? विरोध करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सब ये भारत के मूल निवासी हैं, हम ये भारत के रहवासी हैं, हम ये भारत में हजारों साल से रहते हैं। लेकिन ये सरकार अभी एनपीआर में नोटिफिकेशन निकालने जा रही है, और नोटिफिकेशन जब निकलेगा तो ज्यादा स्पष्ट होगा। लेकिन ये सरकार ये कह रही है कि आपका बर्थ ऑफ डेट क्या है, आप हमें ये बताएं। आज जो पैदा हुए 10-20-30 साल में,
वो अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, उनके पास में हो सकता है डेट सर्टिफिकेट मिले, बर्थ सर्टिफिकेट मिले, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिले। लेकिन यहां तक ये सरकार नहीं रुकी हुई है, ये सरकार उससे आगे जाना चाह रही है। क्या कह रही है कि आपके माता पिता की डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके माता पिता की डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब मान लीजिए कोई आज अगर किसी की उम्र 60 साल हो, 70 साल हो, ऐसे हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए जो 1950 के बाद यहाँ पैदा हुए देश में, अगर उनको बोला कि आप 1951-52 में पैदा हुए, आपके मम्मी डैडी की डेट ऑफ बर्थ क्या थी, तो मुझे लगता है कि भारत की 30-40% आबादी अपने माता पिता का डेट सर्टिफिकेट जो है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है, वो शायद प्रोड्यूस नहीं कर पाए। मैं मोदी जी से कह रहा हूँ, उस दिन मैंने रायपुर में कहा 50,000 लोगों के बीच में, आज फिर दोहरा हुआ हूँ, मोदी जी क्या आप अपनी रिस्पेक्टेड माता का कम से कम हमको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बता सकते हैं क्या, कम से कम ये भी जो है आप पब्लिक करें, क्या आप अपने मम्मी डैडी का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप बता सकते हैं क्या, यह आप डिक्लेयर करें, ये महत्वपूर्ण बात है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट टू में जो नागरिकता फंडामेंटल राइट नहीं है, नागरिकता ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। पार्ट टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक नागरिकता ये मूलभूत अधिकार नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अधिकार है। और भारत के संविधान के आर्टिकल 11 में संसद को यह राइट दिया गया है कि वो नागरिकता को रेगुलेट करे। अब संसद को राइट तो संविधान ने दिया, पर सवाल यह है कि क्या संसद को यह अधिकार है कि वो लोगों के मूलभूत अधिकारों का और मानव अधिकारों का उल्लंघन करे। तो मेरा यह क्लियर मानना है कि भारत की ही संसद नहीं, दुनिया की किसी भी संसद को, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, पूरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या पूरी संविधान सभाओं को ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने का अधिकार दुनिया के अंदर कहीं भी किसी भी संसद को और किसी भी सरकार को नहीं है। ये बात मेरा क्लियर मानना है, ये बात मेरा क्लियर मानना है। लेकिन अब भारत के संविधान के अंदर जो प्रोविजंस है उसका दुरुपयोग करके ये सरकार एनपीआर में पहले माता पिता का डेट लेगी। अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट माता पिता का 50 के पहले का नहीं बता पाए तो आपको डाउटफुल कैटेगरी में डाला जाएगा, और उसके बाद रूल 3 सब रूल 5 के तहत एनपीआर का डाटा एनआरसी में लिंक किया जाएगा। और ये हो सकता है कि आपको आपके ही देश में रेफ्यूजी करार दिया जाए। ये सिचुएशन आप लोगों के आगे आ सकती है, जिस बात को मैं आपको समझाना जरूरी समझता हूँ। साथियों, ये जो एनआरसी है ये केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। भारत में जब हमारा देश आजाद हुआ तो 95% लोग इलिटरेट थे, हमारा एजुकेशन लिटरेसी दर 5% था। आज हमारे देश में 55% लोग भूमिहीन है, उस समय में 80% के आसपास लोग भूमिहीन थे। हमारे देश में जंगलों में बहुत सारे आदिवासी रहते हैं, लेकिन जंगलों में स्कूलें नहीं थी, तहसील के तहसील और पटवारी के जो है वो रिकॉर्ड नहीं थे। आदिवासियों के पास वो जंगल के मालिक तो है, जल जमीन जंगल के मालिक है, लेकिन 1950 के पहले का उनके पास भी रिकॉर्ड मिलने की संभावना कम है। इसके बाद बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, ना जाने कितने राज्यों से लाखों लाखों करोड़ों लोग दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के खोज में जाते हैं। वो अपने गांव को छोड़कर जाते हैं, वो शहरों में चले जाते हैं, उनके पास 1950 का रिकॉर्ड मिलने की संभावना नहीं है। देश में नेचुरल कैलामिटीज आती है, बाढ़ आती है या और किसी तरह की नैसर्गिक आपदा आती है, उसमें रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय होते हैं, उसमें रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय होने की संभावना है। यानी भारत में शिक्षा के अभाव की वजह से,
भूमि के अभाव के वजह से, आदिवासियों के लैंड रिकॉर्ड्स के एब्सेंस के वजह से और माइग्रेशन के वजह से और नेचुरल कैलेमिटी के वजह से भारत की बहुत बड़ी आबादी के पास 1950 के पहले का रिकॉर्ड जो है वो मिलने की संभावना कम है। मैं अमित शाह जी को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रहा हूँ। आप कहते हैं कि हम किसी की नागरिकता पर सवाल नहीं उठा रहे, मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आपके सरकार के अंदर ईमानदारी है, अगर आपके सरकार के अंदर ईमानदारी है तो आज नोटिफिकेशन निकालो और आज सिटीजनशिप एक्ट 1955 और रूल्स 2003 के अंदर आज नोटिफिकेशन निकालो और ये कह दो नोटिफिकेशन में कि हम किसी के भी माता पिता का डेट ऑफ बर्थ जो है वो नहीं पूछेंगे और 1970-71 के पीछे हम डेट ऑफ बर्थ किसी का नहीं पूछेंगे। मैं मोदी जी को और अमित शाह की सरकार को कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो आज नोटिफिकेशन निकाल कर इस बात को क्लियर करो और दूसरे बात को क्लियर करो कि हम एनपीआर का डेटा एनआरसी को लिंक नहीं करेंगे। ये हम आपके शब्दों पर हमें भरोसा नहीं, हमें मालूम है कि आप संविधान के अंदर जो आपको प्रावधान दिए गए हैं या जो रिलैक्सेशन है उसका आप दुरुपयोग करते हो, क्योंकि यदि आप पार्लियामेंट में भी झूठ बोल दो तो पार्लियामेंट में भी यदि प्रधानमंत्री झूठ बोल दे तो हम अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को संविधान के किसी प्रोविजन के तहत या रूल्स ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो है वो हटा नहीं सकते। ये बात आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं और इसी का फायदा आप ले रहे हो। इसलिए मेरा ये कहना है कि हम, आप चाहे पब्लिक में बोलो चाहे पार्लियामेंट में बोलो, उस पर हमें भरोसा नहीं। आप जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकालते तब तक ये आंदोलन देश में जारी रहेगा और पूरे देश के लोगों को हम अवेकन करेंगे और पूरे देश के लोगों को ये बताएंगे कि आपकी, आप इस देश के मूल निवासी होने के बावजूद आप अपने ही देश में रेफ्यूजी बनाए जा सकते हैं। यही एनपीआर एनआरसी की पहली स्टेज है। इसका खतरा केवल मुस्लिम्स को नहीं, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो माइग्रेंट्स है, जो स्थानांतरण करते हैं उनको इसका खतरा है, आदिवासियों को खतरा है, जनरल कम्युनिटी के भी जो लोग अपने गांव शहरों को छोड़ के जाते हैं उनको भी इसका खतरा है।